हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। महावना के इस बगिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर मीना सिंह एक बार फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हुई हूँ, जो कि एडमिशन प्रोसेस 2020 और 21 के लिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है, जो आपको बहुत हेल्प करेगा कि एडमिशन कैसे लें BHU में। जो भी मेरिट इंडेक्स आपको आपके कॉल लेटर में गया होगा, उस मेरिट इंडेक्स के हिसाब से ही आपका एडमिशन होना है BHU में। तो BHU में एडमिशन लेना ही एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा सजाई गई इस बगिया में पढ़ना एक बहुत ही सौभाग्य की। पढ़ना एक बहुत ही सौभाग्य की बात है। जिन लोगों का एडमिशन हुआ है, जो लोग यहाँ से पढ़ के निकलते हैं, वो उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट होता है, क्योंकि BHU की अपनी रेपुटेशन है पूरे वर्ल्ड में। सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में लोग BHU को जानते हैं। जब भी कभी इंटरव्यू होता है तो यहाँ के बच्चों को वो प्रेफरेंस पहले देते हैं। और इवन दो इंडिया में भी बहुत सारी कंपनीज BHU के बच्चों का इंटरव्यू लेने आती है, और वो सिलेक्शन करके अपने यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियों में वो जॉब प्रोवाइड करती हैं। तो BHU का स्टेटस एक बहुत ही बड़ा स्टेटस है। इसमें पढ़ना सच में कहिए तो बड़े सौभाग्य की बात है कि BHU में पढ़ रहे हैं। तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं जिसको ये कॉल लेटर गया है। लेकिन एक चीज़ आप ये माइंड में रखिएगा कि कॉल लेटर ही आपका फाइनल एडमिशन नहीं है, क्योंकि एक सीट पे 3 बच्चों को बुलाया जाता है। कोरोना के इस पेंडेमिक सिचुएशन में BHU ने एक डिसीजन लिया है कि वो ऑनलाइन एडमिशन भी करेगा और ऑफलाइन एडमिशन भी BHU में किया जाएगा। तो ऑनलाइन एडमिशन जिन बच्चों को लेना है, उनको सारी इन्फॉर्मेशन अपनी ऑनलाइन ही देनी होगी। उनके मेल आईडी पे सारी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी जिनको वो अच्छे से पढ़ें, जिसमें पहला आता है उनका प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म। वो प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म को भर दें, और उसके बाद में जो भी सारे डॉक्यूमेंट मैं अभी आगे आप लोगों को बताने वाली हूँ, सारे डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन ही अपलोड करना होगा। लेकिन जो लोग ऑफलाइन काउंसलिंग कराने जा रहे हैं, तो वो लोग अपने साथ जो डॉक्यूमेंट मैं अभी बता रही हूँ, वो सारा डॉक्यूमेंट लेके अपने साथ जाएंगे, ताकि उनको वहाँ पर कोई भी तकलीफ ना हो। सो सबसे पहले बच्चों आप लोग रख लीजिएगा 10th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, फिर 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आप रख लीजिएगा। फिर अगर आपको BCom में एडमिशन लेना है, ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है, तो आप ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट रख लीजिएगा। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो स्कूल ही आपको प्रोवाइड करेगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी स्कूल के द्वारा आपको मिल जाएगा। अगर बच्चों आप लोगों को कैटेगरी में एडमिशन लेना है, तो कैटेगरी का मतलब है कि OBC, SC, ST, PC किसी कैटेगरी में एडमिशन लेना है, तो बच्चों आप लोग इसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी रख लीजिएगा और इसका जेरॉक्स कॉपी भी रख लीजिएगा। फिर अगर आपको PC में एडमिशन लेना है, या स्पोर्ट्स कोटा में एडमिशन लेना है, या एम्प्लॉय वार्ड में एडमिशन लेना है, तो इसका भी आप ओरिजिनल सर्टिफिकेट अपने पास रख लीजिएगा। इवन दो जो भी 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, उन सबका मीन जितने भी सर्टिफिकेट आप ओरिजिनल रखेंगे, सबका 2 या 3 जेरॉक्स कॉपी भी अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि जब आप फॉर्म जमा करेंगे तब ओरिजिनल नहीं, जेरॉक्स कॉपी, कुछ सर्टिफिकेट का जेरॉक्स कॉपी भी आपको लगाना होगा। तो जेरॉक्स कॉपी भी आप जरूर रख लीजिएगा। फिर अपने फोटोग्राफ्स भी रख लीजिएगा, ज़रूरत लगेगी तो आपको फोटोग्राफ्स भी देना पड़ सकता है। फिर उसके बाद में जिस दिन भी काउंसलिंग की डेट हो, आप उस डिपार्टमेंट में आधा घंटा पहले ही पहुंच जाइए, और वहां पर लिस्ट लगी होती है, लिस्ट के हिसाब से आप अपने बोर्ड में जाके बैठ जाइए। वहां पे फिर एडमिशन कमिटी के लोग आएंगे, आप लोगों को फॉर्म दिया जाएगा, और उस फॉर्म को आपको फिल करना है, और सारे इंफॉर्मेशन आपको सही देना है। फिर उसके बाद में सारे डॉक्यूमेंट आपको लगाना है,
जेरोक्स कॉपी और कहीं कहीं ओरिजिनल कॉपी भी अगर मांगा जाएगा तो देना है, इट डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट। और आपको अपनी साइन करना है, आपके 12th की परसेंटेज निकालना है। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में ले रहे हैं तो आपको ग्रेजुएशन लेवल की मार्कशीट भी लेके जानी है। BHU एक ऐसी संस्था है जिसमें PhD लेवल तक की पढ़ाई होती है। काउंसलिंग के बाद आप लोगों को बताया जाएगा कि आपके मेल ID पे मैसेज जाएगा कि आपका एडमिशन हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है तो आपको पैसे भरने के लिए नेक्स्ट डे 6 PM तक आपको टाइम दिया जाएगा। उसी टाइम में आपको ऑनलाइन उसका पेमेंट करना होगा जिस हिसाब से BHU आपसे रिक्वायर कर रहा है, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। और एक चीज़ और है कि हमेशा हर वक्त आपको अलर्ट रहना होगा, क्योंकि मैसेज कभी भी आपको जा सकता है आपके एडमिशन के लिए। जब तक एडमिशन प्रोसेस चलता रहे तब तक आप पूरी तरह अलर्ट रहिए। सपोज अगर आपका कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, जैसे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या माइग्रेशन सर्टिफिकेट, तो उसके लिए आपको एफिडेविट वहाँ पर जमा करना होगा। और आपको 31 दिसंबर तक का टाइम दिया गया है, 31 दिसंबर 2020 तक का टाइम दिया गया है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को जाके वहाँ BHU में जमा कर सकते हैं। अगर 31 दिसंबर तक आप अपने डॉक्यूमेंट को जमा नहीं कर पाते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा। तो अभी से आप जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है आप उसको इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए। 10% सीट जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रखा गया है। ये 2019 में स्टार्ट हुआ और ये बहुत ही अच्छी एक शुरुआत है। जो भी अपर कैटेगरी के बच्चे हैं जो एडमिशन में रह जाते हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है, तो 10% सीट उनके लिए रिजर्व की गई है। फिर एक पेड सीट का भी यहाँ पे फॉर्म मिलता है। जिन बच्चों का नॉर्मल एडमिशन नहीं हो पाता है वो पेड सीट में एडमिशन ले सकते हैं। और ये भी जहाँ पे हमारा जनरल कैटेगरी ख़त्म होता है वहीं से हमारा पेड सीट स्टार्ट होता है। तो इसमें पेड सीट में थोड़े पैसे ज़्यादा होते हैं लेकिन स्टडी में कोई भी अंतर नहीं होता है, सेम स्टडी वही सारे बच्चे एक साथ में कर सकते हैं। तो पेड सीट में भी एडमिशन BHU में अवेलेबल है लेकिन वो भी लिमिटेड है, 10% सीट या 11% सीट ही उसके लिए है। तो उसके लिए जैसे ही जनरल ख़त्म होगा सीट वहीं से पेड सीट स्टार्ट होता है। तो बच्चों कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आप सब लोगों को दिया है और ऑल द बेस्ट आप सब लोगों को। मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों का एडमिशन हो जाए BHU में और महामना की इस बगिया में आप लोगों का स्वागत है। आप उनके द्वारा जो रचाई गई रचना है उसमें आप शामिल होकर BHU की शोभा और बढ़ाएं। इसी उम्मीद के साथ मैं ये वीडियो यहीं ख़त्म कर रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ये हार्डवर्क पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। फिर नए वीडियो में मैं आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे नए टॉपिक के साथ।